हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Everybody, नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तन्वी। और आज मेरे शो में इतने सुंदर दो एक्टर्स आए हैं और उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, नहीं मुझसे एक सिमिलैरिटी है, एक है फेलो जैनी। जोरदार तालियां हो जाए स्नेहा जैन के लिए। जितनी पेटीट और छोटी दिखती है उतनी बड़ी बड़ी चीजें ये करती हैं। शी इज आवर ब्यूटीफुल स्नेहा जैन। और दूसरे जो है माय फेलो डिंपल बडी, जोरदार तालियां हो जाए अंशु बम्मी के लिए, जोरदार तालियां। और जितने ही ये लंबे हैं उतना ही उनका लंबा लिस्ट ऑफ करियर में काम है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी आप दोनों आज यहाँ पर आए हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन। अच्छा, क्योंकि हिंदी में हिंदी में बात। हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, आपको डिम्पल किससे आया? मतलब आपकी मम्मी को डिम्पल है, पापा को डिम्पल है? नहीं, किसी को भी नहीं, बस आप में भगवान ने बोला, भगवान ने इसको गिफ्ट दे देते हैं। हाँ। पता है, क्योंकि ये डिंपल का अभी जो चल रहा है दौर, जहाँ पे सबको डिंपल है, सब ऑब्सेस्ड हो गए डिंपल से। हाँ। तो एक पॉइंट था कि बीच में मैं भी ना ऑब्सेस्ड हो गई थी। मैं मिरर के सामने खड़े रहकर, मैं लिटरली ये अपना चेहरा ना, काश मैं ऐसे करके रखूं तो मुझे डिंपल हो जाए। सो यू नो, मैं होल डे आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं ना इसको अंदर ऐसे दबा के रखूं, मुझे डिंपल चाहिए। मुझे इन डिंपल्स की वैल्यू नहीं पता थी एक्चुअली। बहुत छोटे टाउन से, तो छोटा सा था। इन सबसे बड़ी बात, मेरा बर्थ डेट जो है 2nd of November, शाहरुख खान। ओके। और मैं बचपन से शाहरुख खान का फैन था, और बट मुझे ये नहीं पता था कि उनका बर्थडे 2nd of November को आता है। और उनके डिंपल्स पड़ते हैं, छोटे छोटे थे, इतनी उस टाइम चीज़ें नहीं पता होती थी। जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया तो मेरा कज़न बोलता है, यार तुझे पता है कि शाहरुख खान के डिंपल पड़ते हैं? मैंने कहा हाँ मैंने देखा, लेकिन उसका क्या? कह रहा है पागल, क्यूट लगता है आदमी उससे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देन उसके बाद उसने मुझे बताया उसका बर्थडे भी 2nd of November को। मैंने कहा क्या बात कर रहा है तू? आप ऐसा होता, मैं जेन्युइनली उन्हें बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये नहीं पता था उनका क्या स्ट्रगल रहा होगा, उन्होंने क्या किया वहाँ आने तक। बट जब मैं हुआ और जब मैंने उन्हें देखना शुरू किया, तो मैं बचपन से उन्हें इतना पसंद करता था, यार बंदा तो ऐसा ही होना चाहिए शाहरुख खान। हाँ। तो मैं बचपन से फैन था। तो जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया तो मुझे उनके बारे में पता लगता गया। और मैं आज भी उनकी कितनी भी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा स्टडी करता हूँ, उनके ऑलमोस्ट मैंने सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। और मैं वैसे भी सारे एक्टर्स के देखता हूँ, मुझे आदत है, पर उनके तो मैं मतलब कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है आप में और शाहरुख में कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम द बर्थडे एंड द डिंपल? अच्छे इंसान हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंसान बहुत अच्छा होगा, ये मैं खुद भी जानता हूँ। हाँ, अच्छे हैं ये। इंसान में बहुत अच्छा हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं। नहीं, मैं अपने बारे में ऐसे बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मा तुम मंदिर क्यों नहीं जाती? मम्मी बोलती क्यों? मैं फिर बोलती हूँ तुम्हें हीरा पैदा हो गया ना, तुम्हें जाना चाहिए मंदिर में, पूजा करो, मैं पैदा हो गई हूँ। मम्मी चुप कर तू। बट दैट्स जस्ट बीइंग अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। सो स्नेहा, आप मुझे बताओ कि ही इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन का अम्बाला से है, लेकिन मतलब बहुत लंबी आपकी जर्नी जो मैं पूछूंगी आपके बारे में। आप मुंबई में पली बड़ी हैं, सो हाउ इज इट कि आपका ये सपना टू बिकम एन एक्टर कहाँ से आया? जैसे कि ना लोग जब सुनते हैं कि मुंबई से पली बड़ी है तो उनको ऐसे ही लगता है ओ मुंबई कर, यू नो, नकरीली लड़की। मैं टोटली अपोजिट हूँ, मैं बहुत ही सिंपल घरेलू लड़की हूँ, नॉट दैट ज़्यादा पार्टी वाली इंसान, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सूफ़ी लड़की हूँ, आई कैन से कि मैं घर में रहना पसंद करती हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, लोगों से, अपने लोगों से मिलना पसंद करती हूँ। तो ये एक्टिंग का थॉट जब मैं बहुत छोटी थी, तो बहुत लेट से ना, क्योंकि मेरी फैमिली में चीज़ें थी, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम चीज़ें थी, लाइक वी वर नॉट फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सिनेमा से इंट्रोडक्शन मेरा बहुत लेट हुआ। मेरे को अभी भी याद है मैंने प्यार क्यों किया वॉज माई पहली मूवी इन द थिएटर, मतलब इतने बड़े पर्दे पे, और मैंने देखा तो मैं ओ में रह गई कि इतने पर्दे पे ये मैजिक कैसे क्रिएट किया। तो मुझ में वो क्यूरियोसिटी थी जानने की कि पिक्चर कैसे बनाते हैं लोग, और इतने पर्दे पे कैसे दिखाया, उसकी टेक्निक क्या होती होगी। मैं इतना सोचती थी वो सारी चीज़ों को लेकर। और ना मैं घर पर आ गया, क्योंकि मैं छोटी थी तो मैं सारे सीन परफॉर्म करती थी, मम्मी आपको पता है, बैठो 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 बैठो, उसने ना ऐसे परफॉर्म किया था, उसने ना वैसे परफॉर्म किया था। तो तब से एक पॉइंट आ गया कि जब मैं सिनेमा देखने लगी तो ऐसे होता था कि मैं थिएटर में बैठी हूँ और मैं बस ओ में देख रही हूँ, और मैं अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ कि दैट इज़ मी परफॉर्मिंग।
और उसके बाद से फिर मैंने घर पे बोल दिया कि मुझे लगता है कि आई लव सिनेमा और मुझे एक्टिंग करनी है बस। तो मम्मा ने बोला ओके बेटा गो। पहले तो और मेरी मॉम ऐसी है ना, वो कहती है कि निकलो बैग लेके, आप गिरोगे पड़ोगे, आपको खुद उठना है, आपको खुद करना है सब कुछ, हम आपके लिए है बट नहीं भी है। तो खुद से निकली और खुद से सारी जर्नी तय की और खुद से किया। और बेस्ट पार्ट ये था कि यू नो सब हमेशा थे यू नो सपोर्ट के लिए कि तुम्हें जो करना है करो, नहीं होगा तो भी ठीक है, होगा तो भी ठीक है। सो वो चीज़ एक्चुअली मुझे लगता है अब जो मैं यहाँ हूँ वो उनकी वजह से हूँ। सो स्वीट। आपको कितने भाई बहन हैं? आपको छः हैं? मुझे छः हैं, मुझे पूछो ही मत। मुझे कोई भी बोलता है कितने भाई बहन हैं, बोला पूछो ही मत, सब यही है। सो सब लोग एक जैसे दिखते हैं कि अलग अलग दिखते हैं? जैसे कि ना हम ज़्यादा कि ना हमारे घर में लड़कियाँ हैं। तो लड़कियाँ लड़कियाँ लड़की कितनी? मेरे सिस्टर और मुझे मिला के हम चार लड़कियाँ हैं, फिर मेरी और मम्मी एक है। हाँ तो हम पांच लोग ऐसे जब रेडी होते हैं, कुछ भी फंक्शन होता है ऐसे सब होते हैं ना, सब पांचों खड़े होते हैं लाइन में रेडी होके, तो मेरे जीजू जो है, मेरे भाई सब कहते हैं कि यार तुम लड़की आना साथ में रहो ही मत, क्योंकि तुम जब भी आते हो हमें कोई देखता ही नहीं। इट्स लाइक कि सभी ना मतलब टचवुड सभी इतने खूबसूरत है, सुंदर है। और मेरी मॉम भी अगर आप उन्हें देखोगे आप बिलीव ही नहीं करोगे कि मेरी मॉम है। वो जिम जाती है, वो क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, वो अपने खाने का बहुत ध्यान रखती है, तो वो इतनी फिट है कि लोग मेरे मुझे उनके साथ देखते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारी बहन होगी। मैंने बोला मम्मी है। दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यार। आपके लिए वो कौन सा मोमेंट था, ये वाला जो बिल्कुल आप ब्लैंक आउट हो गए थे? लाइक शिट यार, मेरे साथ तो ऐसा था कि जब मुझे काम मिलना ही शुरू हुआ था मैं तभी बहुत खुश हो गया था, मैं सच बता दूं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे मिल सकता है, मैं इस लायक भी हूं, मुझे पहले ऐसे ही लगता था। और जब मुझे मिला तब भी मैं बहुत खुश था, मतलब तब ऐसा खुश था कि हाँ मुझे अच्छा मैं पहुंच गया। फिर यह था सेट पे जाके कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ना आपको कैमरे की नॉलेज है ना आपको एक्टिंग कितनी नॉलेज है, आप आए हो बस अपना स्ट्रगल कर रहे हो। तो था, लेकिन जब वो मिला तो भाई मैजिक था, इतना बता सकता हूँ कि मैजिक था, मैजिक था वो। जब पहली बार आप सेट पर गए? हाँ यार, डायलॉग बोल रहे हैं नीचे से कांप रहे हैं यार टांगे ऐसे, और एक्चुअली क्या क्या गलत तो नहीं बोल दी मैंने लाइन, मैं सही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इतने प्रेशराइज हो जाते हो कि आपको उस वक्त दिखाना है कि मेरे को आता है करना, लेकिन आप इतनी मेहनत करने लग जाते हो, आपको जितना आता है सब डाल देते हो, और उस वक्त क्या होता है सारा काम खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ज्यादा एक्टिंग कर लेते हैं, हाँ क्योंकि हम इतना हो जाता है कि नहीं हमें अच्छा देना, कि ये ना कहते भाई गंदा करता है, अच्छा नहीं कर रहा एक, अरे डायरेक्टर ने बोल दिया तो क्या होगा, अरे क्या कर रहा रूप तुम्हारा कर नहीं तो इतना। लेकिन अभी जैसे जैसे आप वही बात बता रहा था कि आप कह रहे थे कि जो नए लोग हैं उन्हें काम करना चाहिए एपिसोडिक्स में कि नहीं, वो इसीलिए करना चाहिए, तुम्हें तभी समझ में आएगा भाई कि जब तुम कैमरे पे जाते हो सब भूल जाओगे तुम, कैमरा तुम्हारी इतनी सी भी चोरी पकड़ लेता है कि तूने पलक अरे पलक झपकी भाई उसने गलत लाइन याद कर रहा है, वो कैमरा सब पकड़ लेता है ना। तो इसके लिए आपको करना चाहिए भाई, एपिसोडिक करो, कुछ भी करो, छोटे से करो पर करो। एंड ना एपिसोडिक एक बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि वहाँ पे ना स्टैंड पे कैमरा नहीं होते, तो आपको मार्क पे नहीं मूवमेंट्स मिलती हैं, काम मूवमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही नेचुरल चाहिए। और जब मैंने क्राइम पेट्रोल करना शुरू किया था तो डायरेक्टर एक्टिंग सीख गया, क्योंकि वहां पे एक चीज तो वो बोलते हैं कि एक्टिंग तो करनी ही नहीं, वो एक्टिंग कराते नहीं है ना यार, मतलब अगर जब भी आपने एक्टिंग की तो कैमरा कट हो जाता है कि एक्टिंग तो करनी ही नहीं है, रोना है रो, ग्लिस क्या ग्लिस, नहीं ग्लिस नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है वो जो ट्रेनिंग है ना वो एक्टिंग स्कूल हो रही है वहां, जैसे आप कहीं जैसे आप जैसे कोई आर्मी में आपको जाना है कहीं जाना, उससे हमारी पहले ट्रेनिंग होती है ना, ये वो ट्रेनिंग है यार, ये वो ट्रेनिंग आपको ऐसा प्रिपेयर कर देती है कि आगे कुछ भी आए कर लेंगे आराम से। सो गुड, वाओ, ऑन दैट नोट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, या यू कैन ड्रिंक सम कॉफी, नींबू पानी, व्हाटएवर यू वांट, बाय। हम प्यार दोस्ती मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रास्ता, मुझे लगता है एक्टिंग में डिफिकल्ट है, प्यार में डिफिकल्ट है मिलना, इट्स हमारी लाइफ एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बींग मुझे लगता है थोड़ी टफ होती है फॉर एन एक्टर एनीवेज। तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं, नंबर वन, क्या लाइक आपका अभी क्या है टेक ऑन लव, डू यू बिलीव इन लव, और सेकेंड क्या एक्टर होने के बाद प्यार मिलना मुश्किल हो जाता है या नहीं, या निभाना मुश्किल होता है या नहीं? दो सवाल है, एक आप दे दो और एक आप दे दो, आप दोनों डिसाइड कर लो कौन सा जवाब। अरे दोनों दे देंगे वो, अच्छा, मैं बाद में दे दूंगा। नहीं, पहले आप बोलो। आई वांट टू नो अबाउट लव फ्रॉम हिम फर्स्ट।
अच्छा ठीक है, आप लव के बारे में बोलो। क्या बताना है मतलब प्यार के बारे में क्या बताओ? देखो अभी आप शाहरुख खान फैन हो और आप प्यार के बारे में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन मतलब प्यार के बारे में, शाहरुख खान फैन प्यार के बारे में डिफाइन करना है। आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं थी, नहीं थी, थी फिर नहीं थी, फिर थी। अरे नहीं ये लिस्ट नहीं बताना था। नहीं बस दो ही है ना, तभी तो बता दिया। तो एक ही लड़की ने आप एक ही लड़की के साथ थे? यार मैं कि अलग अलग थी, नहीं थी, थी पहले कॉलेज टाइम में थी, उसके बाद 10-11 साल के बाद अभी रिसेंटली कुछ समय पहले तो थी, फिर नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो। वही आर यू इन लव नाउ? देखो प्यार तो किया है मैंने, प्यार में मुझे हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिली है, वो है धोखा। धोखा आई न्यू इट, आई न्यू इट, बहुत खूबसूरत चीज धोखा। तो धोखा मिलने के बाद एक्चुअली ऐसा होता है कि यू डोंट बिलीव, बट मैं बहुत बिलीव करती हूँ प्यार में। जैसे इन्होंने भी कहा कि सबसे खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में है वो है प्यार, जब आपको हो जाए तो उफ और क्या ही चाहिए। मतलब हाँ। बोलते हैं ना कि मैं तो ऐसे कहती हूँ कि वो सात गंगा मैंने नहा लिए, मतलब आपका इस दुनिया में आना सफल हो गया, सफल हो गया आपका इस दुनिया में आना सफल। तो वो है पर उसके आगे तो क्या धोखा मिला? आपने एक्टर को डेट किया था क्या? यार ऐसा नहीं है कि आप किसी बट यार ऐसा नहीं है कि आप किसी एक्टर को डेट कर रहे हो तो आपको आगे बेची होने वाले मिलने वाला कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, बट ऐसे होता है। मैंने ये चीज ना एक मेरा मतलब मेरे एक्स को कहा था मैंने ये चीज कि ऐसा नहीं है कि हम दोनों इंसान गलत है, सिर्फ ये जो समय है ये गलत है, हमेशा समय ही गलत होता है, हमेशा यही होता है। नहीं कभी कभी इंसान भी गलत है, मेरे केस में हुआ है। अच्छा बट मेरा मानना है कि जब आप मिलते हो उस वक्त समय भी सही होता है, इंसान भी सही होता है, तभी तुम मिलते हो। हाँ, फिर जब ब्रेकअप होना जब ब्रेकअप होता है तुम पहले सबसे पहले कहते हो कि इंसान गलत नहीं, 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 नहीं उस समय भी गलत होता है। नहीं नहीं और उस सिचुएशंस बदल जाती हैं कि इंसान। और हाँ लड़कों में एक प्रॉब्लम होती है कन्नी काटने की, मतलब कन्नी काटना मतलब अरे यार प्रॉब्लम चल रही है यार तुम समझो, तुम्हें समझना चाहिए। बहुत लड़के ऐसे करते हैं तो कन्नी काटना मतलब पंजाबी वर्ड कन्नी काटना मतलब मिठी गोली देख निकल जाना। अरे नहीं यार ऐसा होता कि नहीं होता यार, तुम्हें तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। हाँ। मैं इस टाइम इतना परेशान हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? नया वर्ड आया है ना उसको क्या बोलते हैं, गैस लाइटिंग। भाई यार मुझे नहीं पता था। हाँ। मुझे भी अभी पता चला कि अच्छा हाँ मेरे साथ ये हुआ है गैस लाइटिंग। मैं तो बचपन से गैस लाइटिंग होते जा रही हूँ, तब तक तो पता भी नहीं था गैस लाइटिंग क्या है। अब समझ आ गया, ये था, ये था गैस लाइटिंग। पता क्या कि हम लोग ना कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कर देते हैं और सामने वाला उस लायक होता नहीं जितना हम कर देते हैं। हमेशा कोई भी रिलेशन है वो गिव एंड टेक से चलता है। यार सेट पर हो आप इतने टाइम अगर एक इंसान के साथ काम कर रहे हो तो प्यार नहीं होता? यार हो जाता होगा लेकिन अपनी बहुत चीजें क्लियर है। मैं लाइफ में बहुत सॉर्टेड हूँ, बहुत चीजों को लेकर सॉर्टेड हूँ, मैं घुसता ही हूँ तो नहीं करना मतलब नहीं करना खत्म करना। मैं सच बोलूं ऐसे लोगों को लगता है कि सेट पे ना प्यार होना आसान है उन लोगों के बीच में जैसे जो लीड एक्टर्स होते हैं। हाँ, हाँ, हर टाइम साथ में है, हर सीन करना है 24/7 उनका सीन भी, उनके सीन्स भी वैसे आते हैं ना, रोमांटिक सीन, लव, फिर गुस्सा भी कर रहे हैं, जो नॉर्मली कपल की लाइफ होती है वैसे ही चल रहा है। बट जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं वो सब, तो उतना समय नहीं मिलता क्योंकि यू नेवर नो जब ये आ रहे हैं तो इनका सिर्फ मेरे साथ सीन नहीं होगा, इनका दूसरे के साथ होगा, भी है ऐसा भी। तो दो यूनिट हो रही है, मैं वहाँ किसी और एक्टर के साथ, ये वो आके शूट करके चले भी गए मुझे पता नहीं चलता है। सो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम में कि आपको ना उनके साथ कुछ हो जाए। बट फिर भी मेरा मानना ये है कि आप सेट पे हो, सेट पे काम करने का काम करो, टाइम नहीं मिलता। ये जो होते हैं ना कुछ कपल्स जिनका सेट पे लव होता है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो लोग सीन ही ऐसे कर रहे हैं तो रील से रियल कपल जो है पता ही नहीं चलता। हाँ बट ना उसके अलावा टाइम नहीं मिलता इतना सोचने का कि यू नो इन्वेस्ट करने का भाई, सोने का टाइम नहीं मिलता। इन्होंने कहा कि गरम गरम स्क्रिप्ट आ रही है, हम रेडी हो रहे हैं, गरम गरम स्क्रिप्ट आ रही है, अरे लाइंस करने, अरे जाना टेक देना, अरे दो यूनिट इधर भागो उधर भागो, ये चेंज वो कंटिन्यूटी। एक दूसरे पे कभी क्रश नहीं हुआ आपको? नहीं यार दोस्ती अच्छी, मेरे को दोस्ती ही अच्छी लगती है। मैं ऐसे नहीं, मैंने अभी बोला कि अपना क्लियर है। उस तरफ घंटी नहीं चलती अपनी, बत्ती नहीं ऑन होती। बट मैं एक बात बोलूं, ये ना सोच के नहीं होता कभी। हाँ, ये भी फील होता है, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली। हाँ, मुझे आज तक जितना भी किसी से कनेक्शन फील हुआ है या लव फील हुआ है मैंने कभी प्लान नहीं किया या मैंने कभी सोच के वो टाइम स्पेंड करने पे हो जाता है, वो जस्ट हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे इंसिडेंट हुए ना कि मैं अभी जस्ट मिली हूँ और 5 मिनट के बाद मैंने उस बंदे को हक किया, मेरे को लगा आई स्टार्ट लाइकिंग यू, पता नहीं
क्यों फ्रॉम मतलब मेरे अंदर वो बटरफ्लाई आ जाती है लिटरली. लोग बोलते हैं ना टीवी मतलब मूवीज में वगैरह कि कुछ तो अंदर हिल जाता है, वो सच में हुआ है मेरे साथ. दो रिलेशनशिप में यही हुआ है कि मैंने मैंने उस इंसान को आधा एक घंटा जाना है, उसके बाद मैंने कह दिया कि आई लाइक यू. पता नहीं दैट्स सो अमेजिंग. हां तो इसके साथ ये था, ये भी बोलना बहुत कम लोग बोल नहीं पाते, ये मुंह पे बोलती तो बोल तो देती है. मैंने प्रपोज किया सीसीटी में बाय द वे, फ्लावर लेकर. क्या बात है. आई वांट टू बी योर प्रिंसेस फॉरएवर. नमस्ते, वेलकम बैक. हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम जिसका नाम है रैपिड फायर. उसमें आपको येस और नो करना है और दूसरा जो फॉलो अप गेम है वो नेवर हैव आई एवर है या फिर आई हैव या आई हैव नेवर, मैं आपको जवाब देना है. ठीक है, ओके, रेडी 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 ओके रेडी. गोस्टेड समवन, आई हैव और आई हैव नेवर. यस, याद करना पड़ रहा है शायद. नो 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 नो. ओके, स्लिड इनटू समवन्स डीएम्स. नो नो नहीं नहीं कभी नहीं. यूज्ड अ फेक आईडी. नो. ओके, स्नूप्ड इनटू समवन्स फोन, योर पार्टनर्स. स्पेसिफिकली पार्टनर. हाँ या वी हैव टू, समटाइम्स गर्ल्स हैव टू, क्योंकि लड़कों को पता चल जाता है. व्हाट वर रीजन अलग. हाँ हाँ, लाइक आई कॉट हिम चीटिंग सो वो रीजन. यू हैड टू. ओके ओके. Pranked someone on set. बहुत बार. या या या. Good. On set के real life में भी. मतलब मैंने बत्ती उड़ा दी थी वो लड़के की. हैं. हाँ. Dated someone younger than you. या या. All the time. Yeah. Not properly. For you elder than you, older to you, older whatever. हाँ. हाँ. Not properly date. But. हाँ. अभी I want what. जो तुम समझी बस वो ही. Given someone a fake phone number. फोन नंबर किसी को गलत दिया है. या नहीं. ओके, किसी के साथ ब्रेकअप किया है ओवर अ टेक्स्ट. हाँ एक्चुअली मेरा ऐसे था, ओवर अ टेक्स्ट नहीं था, फोन था क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था तो वहां जाके ब्रेकअप करना है. अब वहां जाके ब्रेकअप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. सो फोन पे ही झगड़ा कर लिया और ब्रेकअप कर लिया. डेटेड मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम. नो नेवर. ओके, लास्ट क्वेश्चन, इज फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप विच इज बेटर. आई थिंक फ्रेंडशिप. देखो दोनों यू शुड हैव मेड फॉर ईच अदर. हो गया. ओह माय गॉड, सोच मिल गई तो मेड फॉर ईच अदर दोस्ती हो रहा है. एनीवे ओके, सो मुझे आप एक बात बताओ कि वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस क्योंकि आप दोनों ने फ्रेंडशिप बोला है, तो ऐसे कौन से किस्से हैं जो एकदम द वाइल्डेस्ट थिंग्स यू हैव डन विद योर फ्रेंड्स, द वाइल्डेस्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ और आपको लगता है वाह तूने ये भी कर लिया, क्या बात है टाइप्स. लाइक आई हैव डन एवरीथिंग विद माय फ्रेंड्स. बस कैसे चाहिए आपको थोड़ा थोड़ी वाइल्ड चाहिए मुझे. शमशान घाट पे रात को 3-4 बजे जाके सो जाना वहाँ पे दोस्तों. अरे तो बहुत ज्यादा. इससे ज्यादा भी बहुत कुछ किया है वहाँ पे. फ्रेश होने चले गए, चलो वहीं पे करेंगे, कोई बात नहीं, जगह नहीं मिल रही तो चलो. और जैसे अभी एक तो रिसेंटली बताया था मैंने अपने फ्रेंड की शादी में उसको बियर से नहलाना पूरा. मैं स्पेशली उसके लिए 2 पेटी बियर की लेके आया था, 48 बोतलें उसके लिए सिर्फ नहलाने के लिए. मेरे दोस्त कह रहे ये पीनी है, मैंने कहा नहीं ये सिर्फ नहलाने की है. ये उसको नहलाना है, उसकी हल्दी हो गई, सारे रस्में पूरी हो गई, जो भी पेरेंट्स करते उनके जाते. मैंने कहा अब दोस्तों का है, वो बैठा उसे पता ही नहीं था उसके साथ कुछ होने वाला है. पहले तो गर्म गर्म पानी लेके आए हम, हल्दी डाली, फ्लावर्स डाले, नहलाया मैंने. उसे लगा कि हाँ सॉर्टेड है, कुछ नहीं करने वाले. बोतलें खोली, टक टक टक, सब ऐसे नहला रहे हूँ. कह रहा भाई साहब क्या हो रहा है मेरे साथ. एक छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता, दूसरा छोड़ता है तीसरा पकड़ लेता. तो ये भी किया, बहुत किया है मैंने दोस्तों के साथ, तो उल्टे सीधे काम बहुत किया. और आपने. यार ऐसे मैंने ऐसे इतने वाइल्ड नहीं किए, मेरे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. मतलब मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है जैसे मेरी लाइफ में ना 3 लड़कियां हैं जो कि बहुत स्पेशल है, एंड यू नो मेरे घर में इतनी सारी लड़कियां हैं, तो मेरे लिए ना गर्ल फ्रेंड्स वाली फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग. तो कभी ऐसे हुआ है कि घर में मेरी एक फ्रेंड थी, उसका झगड़ा हो गया घर में, मम्मी पापा से नोकझोंक हो गई, उसने बैग उठाया कि मैं आती हूँ.
चार दिन चले गए लोनावला. और उसके बाद मतलब कुछ फंक्शन हो रहा है तो हम बैठ के वहीं पे खुद का भी मेकअप कर रहे हैं, उसका भी मेकअप कर रहे हैं, उसके बाल बना रहे हैं. मतलब इट्स लाइक मोर ऑफ फैमिली फैमिली फैमिली. और यार ये मेरे साथ अब होता है कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड के शादी में या किसी फंक्शन में यार मेकअप कर दे भाई, मैंने कहा मैं मेकअप मैं करूँ? कह रहा तेरा तो होता है, तुझे तो आ गया होगा. मैंने कहा आता है. अभी मैं कितने भी फ्रेंड्स की मैरिज अटेंड करता हूँ, वो मुझसे मेकअप करवाते हैं. तो मैंने एक फ्रेंड के लिए प्रैंक किया था. क्या? तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. तो वो रहते हैं ना आजकल, मतलब आजकल क्या बोल रही हूँ, बॉम्बे में तो वैसे ही रहते हैं. हाँ. जो पीजी में रहते हैं पांच लोग रहते हैं, तो वो एसोसिएट डायरेक्टर है. तो पीजी में पांच लोग रह रहे हैं. तो मैं उसके घर कभी गई नहीं थी. तो उसने मुझे बोला था, इसने कभी तो आ जा, तू अंधेरी इतने ऑडिशन के लिए आती है. मैंने चला आ जाती हूँ. एक बार गई, फिर ऐसा होता है कि पांचे सब इंडस्ट्री में, तो कभी इसका ये शूट चल रहा है, कभी ये कभी वो, तो मिलना होता ही नहीं था दूसरों से. तो एक दिन ऐसे हुआ, उसका एक और फ्रेंड है जो कि डायरेक्शन में ही उसने एज एन एडी शुरू किया था बालाजी में. तो उसने बोला कि यार वो अंदर सो रहा है, तो ध्रुव है. और उसने बोला चल कुछ प्रैंक करते हैं. उसका ना नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है 6 महीने का, तो कुछ प्रैंक करते हैं. मैंने बोला क्या प्रैंक करना है? बोले मैं कैमरा सेटअप करके आता हूँ अंदर. तो ना जाके से उसको बोल दे कि ध्रुव आई वांट टू किस यू. बोलता हमको देखना है लॉयल है कि नहीं. मैंने बोला तुम लोग मेरे साथ ये प्रैंक किस कर दिया ना, तो मैं तुम सबकी बैंड में जा दूंगी, मैं नहीं लूंगी ये किस. तो बोलता है अरे नहीं नहीं चलना नहीं करेगा, बहुत सीधा है, बट हमें देखना है कि सच में वो कैसा लड़का है. हाँ. चीट करेगा कि नहीं करेगा. बोला ठीक है. फिर मैं एकदम से रेडी वेडी हुई. मैंने बोला ओके. एंड वो सो रहा है बंदा, उसने मेरी शक्ल जिंदगी में नहीं देखी है. वो सो रहा है लिटरली गहरी नींद में. मैंने उसको चादर उठा, हाय ध्रुव. वो मुझे देख रहा है ऐसे, ये क्या हो गया भाई साहब. उसके सारे तार हिल गए अंदर और वो मुझे ऐसे ही देख रहा है. मैंने बोला ध्रुव आई वॉन्ट टू किस यू. वॉट बोलता है इन रिलेशनशिप. फिर बाद में हमने उसको बोला लिसन ये प्रैंक था. और उसके बाद से ना जब भी मैं उसको घर पे मिलती थी ना, तो हाँ मैं उसको पकड़ लेती, ध्रुव विल यू डांस विथ मी, लेट्स डांस, आई विल टीच यू सम मूव्स. और बेचारा वो ना वो पसीना पसीना नहीं नहीं किस नहीं हुआ नहीं नहीं नहीं. तो उसका दूसरा एक फ्रेंड है, उसको मतलब मैं आता हूं. हां तो उसको जब बोला ना देखिए हमने प्रैंक किया, बोलता है यार मेरे साथ करना भविष्य. मैं तो आई वांट, तभी मैं रोक दूंगा लड़के को कि भाई मैं रेडी हूं. कहाँ जाए अब हमें भी अच्छा लगता. तो मैंने कहा शमशान घाट. तो मेरा दोस्त कहता है कि तू पागल है क्या? मैं पागल क्या ताप? वो माना नहीं. मैंने कहा तू चल. मैंने उठाया, चल अंदर. मैंने जम किया अंदर. अच्छा मेरे साथ, मेरे को डर लगता था पहले बहुत ज़्यादा. मेरे बड़े ब्रदर ने एक बार क्या किया, हम फंक्शन से रात को आ रहे थे, मेरे साथ जो उसने प्रैंक किया मैं बताता हूँ. ये सही है. मैं छोटा था, मुझे डर लगता था. ऐसे मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे भूत खा जाएंगे या कुछ हुआ, लेकिन एक डर होता है जो प्रकृति में बनी है चीज़, आपको उससे दूर रहना भी चाहिए, है ना. तो मैं वैसा सा था. और जैसे ही अगर हम जा रहे हैं ना पास से, तो शमशान घाट देखिए मैं ऐसे करके ना साइकिल तेज तेज चलानी और भाग जाना. मैं साइकिल चला था उस टाइम की बात है. तो अब रात को हम किसी फंक्शन से आ रहे थे, तो फादर कहते कि मैं घर पे रुकता हूँ, तुम लोग अपने डॉग फार्म पे चले जाओ. रात को 2 बजे की बात है, मैं और मेरा भाई साइकिल पे जा रहे हैं, डॉग फार्म है हमारे पास, हमारा डॉग फार्म था. तो बीच में शमशान घाट पड़ती है. करते करते 2:30-3 बज गए थे, मुझे वक्त याद है. और वक्त किनका होता है पता ही है सबको, 4:45 बजे. भाई मैं ऐसे बैठा हूँ साइकिल पे, आ गया इतना बड़ा आदमी, ऐसे करके ऐसे बैठा मेरा भाई साइकिल चला. मैंने अंकित सुन, कह रहा हाँ. मैंने कहा रुक क्यों, मतलब तेज तेज चला रही हूँ. कह रहा बोला, मैंने पंजाबी में था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, पंजाबी फिर सबको समझ नहीं आई. तो बोलो पंजाबी में हिंदी. मैं अगे बैठा जी कह ना, मैं कह पूरा तेज चलाई, हौली हौली ना चलाई. मैंने डर लगता थे शमशान घाट आ गया बीच. कहना कोई नहीं कोई नहीं भाई. वो चलाने के चलाता गया उसने शमशान घाट के आगे ब्रेक मार दी. मैंने कहा शिट. मैं अंकिल लंगे आगे कहा यार चैन उतर गई तेरी साइकिल दी, उतर जरा. मैं कहा अच्छा. मैं मेरी आंखें बंद है, मैंने खोली नहीं आ रहा क्योंकि मैं डरता था उस वक्त. और आई थिंक मेरा 6th स्टैंडर्ड की बात है ये मेरे. मैं उतरा साइकिल से ऐसे ना तेरी. मैं कहा तू की कर रहा. मैं भागने लगा, मेरे भाई ने ऐसे भाग गया. और मेरा भाई मतलब मैं इतना जाइंट हूँ तो मेरा भाई मुझसे भी है, वो स्ट्रॉन्ग है बहुत मेरा भाई. उसने कितने चल रहा है इधर तू खड़ जाते भाई साहब चैन तो क्या. उधर उसने मेरे ऐसे पकड़ के ना 20-25 मिनट सामने ऐसे खड़ा करके, और सामने
शमशान जल रही है और मेरी और फट रही है। अरे भाई हाँ, वो जलती है ना रात रात तक, वो थोड़ी लबान आग रहती है जो शाम को जली। मैंने कहा यार अंकित यार चल रहा है पापा, मैं मर जाना, तुम्हें समझा मेरी गल? कहना नहीं नहीं इतने ही खड़ा हो। पर उसने मेरा डर निकाल दिया। उसके बाद में कभी डर नहीं लगा मुझे, डर नहीं लगा। अभी इतना खत्म हो गया, अभी इतना हो गया, अभी अभी मजा आता है अभी कुछ। और अच्छा मेरे साथ हुआ भी है कई बार, जैसे मैं सो रहा हूँ और मुझे हुआ कि मेरी टांगे किसी ने खींच ली, गहरी नींद, और देन मैं उठ के कहता हूँ अच्छा सुनो ना मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, अच्छा सुनो ना मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, ना तुम मुझे तंग करो, नींद आ रही है सोने दो, ये बोलता हूँ सो जाता हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल। और मेरे साथ दो तीन बार हुआ, इवन मेरे फ्रेंड के साथ भी बहुत बार हुआ है, कृष्णा जो लास्ट फ्लैट है मेरे, अब ठीक है ना अभी क्या। Oh my God, fab, good story. Thank you. Okay, I have to give one. Thank you. एक ताली मिली। मुझे एक को तो गिफ्ट देना है, एक को देना ना हमें, तो एक जीतना तो पड़ेगा, तो हमें एक गेम खेलना पड़ेगा जिसमें आप दोनों को जीतना होगा। यार तुम जीतो यार, क्या दिक्कत है? So the game is guess the movie game, ठीक है? मैं आपको difficult है। मुझे नाम नहीं याद रहते तुम movies के नाम बता। तो यही तो है difficult है। इन्होंने कहा इनकी memory बहुत sharp है। नहीं मुझे 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 नाम याद। अपने statement अपने हिसाब से modify। एक मिनट। गेम निकाल रही बोलिए। मुझे नाम याद रहते हैं, हाँ या ना, आपको पता है बात, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, मुझे सिर्फ नाम की प्रॉब्लम। मुझे नाम ही याद, ऐसे दो लोगों को मुझे जब जिनको नाम की दिक्कत हो, मुझे जब इंसान दो तीन बार मिल लेता है ना, तब मुझे उसका नाम याद होना शुरू होता है। रेडी जो भी है अब यही ट्राई करें, जो भी है यही है। अरे सब करा देते हम, मैंने बहुत शादियां करवाई हैं, बहुत। खुद की कर लो अब। खुद की पता है, मैंने इतनी लोगों की करा दी, अब करने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा अपनी भी होगी एक तरह से समझो। अभी रिसेंटली मैं इस साल में तीन शादियां मैंने मेरे दोस्तों की करवाई है। किस्सा सुना रहा हूँ फिर आप पंडित हैं भाई साहब? नहीं नहीं यार, दोस्तों की शादी करवाने वाला कि मतलब पंडित नहीं, पंडित वाली बात नहीं है कि घर। अब यारी दोस्ती ऐसी है कि यारी दोस्ती के लिए तो हम आगे खड़े खड़े ना हमेशा। तो अब मेरी शादी तुझे आना पड़ेगा, आ गया, काम भी कराना भाई, वहाँ पे हम टेबल भी लगाएंगे, चेयर भी लगाएंगे, काम भी करेंगे, सब किया भाई अपने दोस्तों के लिए। अब उन सब का क्या होता है, उनकी फैमिली वालों का, इसकी शादी करानी है। तो आप तो अच्छे गुड लुकिंग, ये तो मतलब अलग ही लेवल का है इसका। आई फील इट्स द मोस्ट एलिजिबल बैचलर मुंडा लड़की हाँ, तो करती होंगी। हाँ, अरे बहुत कुछ होता है, वही तो बता रहा हूँ। मैसेज आते हैं मैं बहुत अच्छे। सो आप सिचुएशनशिप में गए हो कभी? नहीं यार, मैं ज्यादा घुसता ही नहीं हूँ किसी भी चीज में, मेरा बहुत चीजों में ऐसा होता है सॉर्टेड है, करना ही नहीं, जो करने हैं वो करूंगा बस, मुझे इतना पता है, क्लियर है। अरे ऐसे मनाने से कुछ नहीं होता। अच्छी शक्ल है, यूज इट बिफोर योर मैरिज। यार ऐसे तो पता नहीं कितनी कर लूंगी। अच्छा ऐसी भी है? हाँ। कम मत समझो, कम नहीं, हाँ। कम नहीं समझना चाहिए इंसान में भी। हाँ। मुझे भी तो जीना है। आप बोल रहे तो मैं जब भी जाता हूँ फ्रेंड्स के, तो उनके पेरेंट्स को पता नहीं ऐसा क्या होता है कि इसकी शादी करवानी है यार। भाई तुम्हारे बच्चे की हो रही है, तुम करो ना, मेरे ना। हर रस्म में बिठाएंगे, उसका झूठी मिठाई खिलवाएंगे, दूध चढ़ रहा है भाई इसको, इसके हाथ से भी दूध लगवा, वो कलीरे होते हैं कलीरे टूट के इसके सर पे कलीरे तुड़वाओ। मैंने कहा हो जाएगी जब मेरी होने की होनी होगी। हाँ। हो जाएगी? नहीं, हाँ। नहीं 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 अभी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पिछले तीनों मैरिजेस में मेरे साथ यही हुआ। और मेरे को लगता है मेरी मम्मी फोन करके बोलती होगी इसके साथ सब करो। हाँ। नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि वो देख चुके हैं ना पूरा प्रोसेस, अभी ये लड़का ट्रेन हो गया शादी के। अरे ट्रेन तो मैं बहुत पहले हो गया था, ट्रेन तो मैं बहुत पहले हो गया, शादी अब बस मैच खेलनी पड़ेगी। यार तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे ये भी शादी करवाने के लिए लगी हुई है। कहीं वो ये शादी वाला एपिसोड तो नहीं होगा। वही तो। Anyways, रेडी फॉर द गेम? रेडी, ओके। सो मैं हिंट्स देती रहूंगी एंड यू जस्ट हैव टू गेस, कीप गेसिंग, ठीक है? तो ये एक ऐसी मूवी है जिसमें वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड है, ठीक है? इसमें तीन एक्टर्स हैं, दो एक्टर मेल है और एक फीमेल है। एक एक्टर को डिम्पल है जस्ट लाइक अस। एक एक्टर मर जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी। इस मूवी में आई थिंक ये हर किसी ने मूवी देखी है, दो दो मेल हैं, मेल और एक फीमेल है, वो अक्षय कुमार और बॉबी देओल नहीं, चलो दो दो एक्टर्स को डिंपल्स आते हैं इन दैट मूवी, मतलब वो एक्टर्स को डिंपल है। एक को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। आई एम गिविंग सो मेनी हिंट्स गाइस, यू हैव टू गेस। बहुत ज्यादा यार, भाई नाम नहीं याद रहते। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर क्रिएटेड। It's what? Oh, आ रही है? आ गई आपको? आई अरु आई? Oh, it's so easy. ये आप ही ने दिया है तो आपको कैसे आई? नहीं, मैंने तो अभी ये गेम तो अभी अच्छा ये खुद से अच्छा हार्ट का इशू होता है उसमें फीमेल कौन है कैसे बताऊं? ये हिंट है ना, जो फीमेल को डिंपल्स आते हैं, चलो शी हैज द बेस्ट। मेल में तो शाहरुख का ही आते हैं ना, उनको तो पता ही है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा अच्छा कल होना या गुड
कल हो ना प्रीति जिंटा शाहरुख खान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है या प्रीति जिंटा मैं भूली गई डिंपल चलो मेरी बात जीते जीत गए आ गया याद किसी मुझे मुझे भी जीतना है यार पर एक ही था क्वेश्चन थैंक गॉड बचा लिया चलो एक और खेलते भी नहीं एक ही था एक ही था अभी हर जस्ट वन अरे नहीं कोई नहीं गिफ्ट कोई नहीं गिफ्ट इन्हीं का ही है तुम आगे चलो नहीं नहीं चलेगा जीत अरे अरे यार मित्रों तुम हमारी टेंशन ही मत लो चलो एक और गेम एक और मूवी कर लेते जो ये जीता उसे ठीक है रेडी हां बोल रेडी रेडी ओके ये मूवी में है अगेन दो एक्टर्स हैं नहीं तीन एक्टर्स हैं एक लॉयर है ये मूवी दो अलग अलग कंट्रीज में बेस्ड है दोनों बहुत लंबे समय तक जुदा रहते हैं वीर ज़ारा करेक्ट ये तो बहुत इजी था आपको आया ऑब्वियसली मैंने कहा पूरा खत्म करेंगे तब बोलते हैं उसने पहले ही बोल दिया हाँ बट ठीक है ना कोई बात नहीं गिफ्ट आपका अभी नहीं लास्ट लास्ट टाई ब्रेकर अब टाई ब्रेकर टाई ब्रेकर टाई ब्रेकर ओके लास्ट क्वेश्चन ये एक ऐसी मूवी है जिसमें दो मेल एक्टर्स हैं और एक फीमेल एक्टर है फीमेल एक्टर ब्यूटी पैजेंट विनर है एक सेकंड रुको खुद भूल गई नहीं मैं उस मूवी का नाम भूल गई क्या नाम है ऑप्शन हाँ सॉरी हाँ बराबर एक लड़की जो मेन एक्ट्रेस है शी इज़ अ ब्यूटी पैजेंट विनर मिस वर्ल्ड रह चुकी है वो मतलब वो मूवी में है मूवी में है कैरेक्टर उनका नहीं कैरेक्टर नहीं रियल लाइफ में शी इज़ मिस वर्ल्ड दो एक्टर्स हैं वो तीनों एक ही फ्लैट में रहते हैं ये मूवी अब्रॉड में बेस्ड है ये दोस्ताना करेक्ट गुड जॉब यू विन एट द एंड जॉन अब्राहम को देख के तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की थी मेरी फेसबुक पे सबसे पहली फोटो जॉन अब्राहम की है चलो जॉन अब्राहम कुछ तो काम आया आपके लिए भाई बहुत काम आया वो सो कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज थैंक यू सो मच रैपर स्माइल फॉर ऑलवेज गिविंग अ स्माइल ऑन आवर फेसेस वी हाय Also, thank you so much for coming. और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके और आप दोनों उतने ही ट्रांसपेरेंट हैं और इतने ओपन हैं जितने अच्छे आप एक्टर्स हो एंड आई एम श्योर यू हैव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड इन फ्यूचर एंड आई होप नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट एपिसोड में आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ आए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लाइक एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि आपके कौन होंगे पार्टनर आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी कभी ना कभी तो होंगे कभी ना कभी तो होंगे व्हाट इफ इज नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री डन इवन बेटर थैंक यू सो मच See you next week. Love you so much. Remember to add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems. We don't want that, do we? Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें।